तो गाइस मैं अभी चल रहा हूँ मरीन ड्राइव में, एंड मरीन ड्राइव में भीड़ देखो यहाँ। नाम क्या आप लोगों का? गणेश। आपका? आफान वजीर। ओह आफान वजीर। एनडीटीवी इंडिया स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट कर दिए। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम राहुल लेगी, और आज हम आए हैं CST 31st का टाइम था, तो मैंने बोला चलो भाई आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं CST क्या दिखता है। अरे वहाँ का व्यू है। हाँ नहीं, ये दिस इज कॉल्ड द हॉल ऑफ स्टार्स, ऐसा बोलते थे इसको, द हॉल ऑफ स्टार्स। हाँ मतलब जब भी महाबली का बिल्डिंग वो जी जी अपना पीछे राइट। अरे वाह वाह वाह, ये व्यू देखो CST वाला। ये देखो भाई आ गए हम CST। तो सामने आराम होटल है, वहाँ का हम वड़ा पाव टेस्ट करने वाले हैं। मैं सुना कि वड़ा पाव बहुत फेमस है वहाँ का। तो भाई देखो इधर से दिखा रहा हूँ आपको, नज़ारा देख लो उधर ऊपर का, सामने जाके एक और बार दिखाऊंगा भी देख ले। मेरे साथ यहाँ पे है आज प्रथमेश। तो प्रथमेश आज हम लोग पूरा घुमाने वाले हैं पूरा CST। तो गाइस अभी स्टेशन से निकल चुके हैं हम, एंड अभी जाएंगे आराम होटल में, आराम भी दिखाएंगे अभी आपको। अगर आप चैनल में न्यू और मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट अभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। ये न्यू मैजेस्टिक बार है, पुराना बार है। न्यू मैजेस्टिक बार, हाँ दिख ही रहा है पुराना। वाह, प्रीमियम दारू मिलता है। अच्छा इधर कैसे बहुत सुना है। कूपन लेना पड़ता है? कूपन लेना पड़ता है, ले लो ना। पहले कूपन लेंगे क्या? कौन सा वड़ा पाव टेस्ट करो? नॉर्मल अपना नॉर्मल वड़ा पाव, नॉर्मल वड़ा पाव से बस वड़ा पाव। दो वड़ा पाव का ऑर्डर ले लिया। चटनी? चटनी दोनों? हाँ दो गाम मध्य लाओ थोड़ी थोड़ी। थैंक यू। अभी व्यू एंजॉय कर करके खाओ। वाह सुपर्ब। अभी इधर आराम से खाओ। ये आराम का वड़ा पाव एंड ये व्यू। वड़ा कितने बड़े बड़े यार इसके। चलो एक बाइट लेते हैं। सही है कितने का है? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में वर्थ यार। चलो भाई आराम का वड़ा पाव हो गया। अभी कहाँ प्रथम है? हेड टूवर्ड्स बैलेट बियर। बैलेट बियर, तो अभी हम बैलेट बियर देंगे। चलो भाई अभी चलते हैं आराम के अंदर, हमने सोचा कुछ खाते हैं। तो गाइस अभी अंदर बैठ चुके हैं आराम के, एंड यहाँ पे मिसल पाव ऑर्डर करने वाले थे। यहाँ पे मेन्यू है इसका, मिसल पाव एंड कोथिंबीर वड़ी। मिसल पाव एंड कोथिंबीर वड़ी ऑर्डर कर दिया भाई प्रथमेश भाई ने। कोथिंबीर वड़ी आ गया। कोथिंबीर वड़ी की क्वांटिटी देखो, आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ अरे लो यार बस, और उनका टूट रहा है। हाँ क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी है एकदम। तो अपना कोथिंबीर वड़ी आ गया पहले आराम का, एंड अभी जस्ट मैं फिर टेस्ट करता हूँ। अब मैं सामने आ गया। वाह वाह वाह। तो गाइस मिसल भी आ गया है और कोथिंबीर वड़ी भी आ गया है। कोथिंबीर वड़ी टेस्ट कर लिया है, कोथिंबीर वड़ी मस्त है, मिसल टेस्ट करते हैं। अरे आप खाना स्टार्ट करो। हाँ हाँ टेंशन मत लो आप, उसमें मेरा क्या, मैं ब्लॉगिंग में लगा रहूँगा। ये अपना मिसल है, दाल दिया है, कांदा अनियंस, एंड ये अपना पाव, एंड ये अपना ऊपर से डाल दिया मस्त। एक लू पीस। अरे आप आपके लिए ज़्यादा है, मैं इतना नहीं खाने वाला। हाँ एक
आप ले लो दो दो जरा सा, ये मेरा कॉम्बिनेशन अलग है। लेट्स टेस्ट द मिसल। पूरी चटका टेस्ट किया गया, थोड़ा टेस्ट करके देखो ऐसा उंगली से करो, पाँव में मत लो उंगली। पूरी चटका, हाँ अच्छा पर तो मैंने बोला कोल्हापुरी चटका टेस्ट करो, मस्त रहता है, मैं वो भी टेस्ट करो। ये कोल्हापुरी चटका है, हवेली में चटका है। ये लहसुन से बना है ना, लहसुन रेड चिली, रेड चिली हाँ, और एक मसाला है वही उसका ही होगा। तो आपको भी अगर इधर आना है तो ये CST जो स्टेशन के सामने ही है, तो मेन्यू आपको सामने पड़ा होगा, एम्बियंस देख लिया आपने, आ जाओ जरा। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी आराम से निकल चुके हैं, आराम का मिसल पाव एंड कोथमीर वड़ी खाया, एंड बाहर इसके जो वड़ा पाव था वो भी खाया, सुपर था। एंड मैं भी एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग मराठी हो तो ये पूरा मराठी फैमिली है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई मराठी फैमिली मुझे खिला रही है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं किधर, बैलाड, बैलाड बैलाड बियर, बैलाड बियर जाएंगे, बॉम्बे का थोड़ा हिस्टोरिकल साइड। अच्छा चलो अभी बैलाड जाएंगे। सो ये है सायन हिस्ट्री फ्री वे बैलाड स्टेट, बैलाड स्टेट जा रहे हैं हम लोग अभी। ये बैलाड स्टेट बिकॉज जहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर था ना, हाँ जॉन आर्ची बॉल्ड, हाँ बैलाड इसके नाम से है। अच्छा एंड दिस इज द GPO जहाँ से पूरा अपने जो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ओ GPO, ओहो ये अपना पोस्ट ऑफिस। सो गाइस हम लोग आ गए हैं बैलाड पॉइंट, बैलाड पॉइंट में यहाँ पे ग्रैंड होटल के यहाँ पे आया है, जो प्रथमेश बोल रहा है कि यहाँ का लंदन का क्या बोलते हैं इसको, लंदन के सर मिनी लंदन, मिनी लंदन बोलते हैं इसे। वाह तो मिनी लंदन क्यों बोलते हैं आपको दिखाता हूँ। इधर अच्छा प्रथम इसको अभी क्यों बोलते हैं लंदन, मिनी लंदन बताओ इसमें। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये सब डॉक्स एरिया है। ओके सो जितने भी सेलर्स होते थे, हाँ और जो ये होते थे सी फेयरर्स होते थे, वो यहाँ पे शिप डॉक करके ये होटल्स में रहा करते थे। ओके ये जो देख रहे हैं आपको ग्रैंड होटल, यहाँ पे आगे एक सेलर्स होम भी है, वहाँ पे आप सेलर्स के लिए गेस्ट हाउस हुआ करते थे। तो ये एरिया यूजुअली ऑल जितने भी यहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज से आते थे, हाँ। तो तभी हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो करेक्ट दे ऑल यूज टू कम एंड स्टे हियर, तो उनका वो ड्वेलिंग था एक टाइप का, मतलब स्टे था, तो यहाँ पे लोग रहते थे, फिर वापस उनका जब भी ड्यूटीज खत्म होता था वहाँ पे यहाँ से शिप से लंदन जाते थे वापस। यहीं पे जब ये दीवार दिख रही है इसके पीछे शिप है, पहले मेरी दीवार हुआ नहीं करते, अच्छा पहले ओपन था। ओके इजीली देखा है, एंड ये इतना पीसफुल एरिया है ना CST में, मतलब आपको लग नहीं रहा है कि हम इतना हसल से इतने, अरे तो मुंबई के हसल से ये पूरा कॉन्ट्रास्ट सही में। अभी थोड़ी देर में ऑफिस कॉन्ट्रास्ट, ये व्यू देखो इतनी शांति, देखो मेरे पीछे देखो कितना शांति है, पूरा ब्लैंक एरिया, और हम लोग यहाँ पे दोनों जन ही है बस, इधर टैक्सी खड़ी है कुछ वहाँ पे, एंड बस यार सुपर एरिया है, फोटो शूट के लिए सही एरिया है। अरे अरे फोटो शूट के लिए बहुत लोग आते हैं, मस्त एरिया है, तो मेरा यहाँ पे एक फोटो लेते हैं, हाँ अभी प्रथमेश का फोटो लेते हैं। सो गाइस चलते चलते हम आगे आ गए हैं, यहाँ पे अभी आगे हमारे पीछे L&T हाउस, लार्सन एंड टूब्रो, एंड पीछे का व्यू सुपर है, एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं शिप का क्रेन वगैरह अंदर, शिप पानी है अंदर, एंड यहाँ से आप टेंशन मत लो, इधर बोर हो जाओगे आप, आपको बोर नहीं करेंगे हम, अब सीधा इसके बाद जाएंगे मरीन ड्राइव में भी जाएंगे, आपको मरीन लाइन पे दिखाएंगे, लेकिन आपको ये दिखा रही जगह, ये जो प्लेस है ये खुफिया है, जो मुझे प्रथम एक्सप्लोर करेंगे। अरे ऐसे बहुत सारे खुफिया है, सही जगह है, तो भाई अभी घूमने वाले अपन बोले क्या सही जगह, ये बस स्टॉप देखो एंटिक बस, ये मेरा कॉलेज जाते ये देखो
बैलेट पियर एंड ये बस स्टॉप देखो ना यार, ये तो भाई फोटो फ्री है भाई, फोटो फ्री है। इधर देखो बच्चे ने क्या इंतजाम किया अपना, फोटो खींचने का मेरा ही खींच दो, मेरा फोन आ जा तू, प्रथम मिनट लग गया काम पे अभी। रास्ते में चल रहे थे अभी सीएसटी में, ये दो नाम क्या आप लोग का? गणेश। आपका? अफान वजीर। ओह अफान वजीर, तो यहाँ पे इन्होंने रेडी आपने ना बनाए, सुपर यार। इन्होंने बनाया, सब मजे ले रहे हैं फोटो खींच। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एशियाटिक लाइब्रेरी। तो गाइस अभी चलते चलते हम आ चुके हैं अपने प्यारे गेटवे के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज लैंड। भीड़ देख रहे हो, भीड़। ये ताज होटल, ये ताज लैंड। हाँ तो अभी प्रथम ऐसे भी कुछ बोल रहे थे कि वो यहाँ पे बोटिंग करते थे, क्या होता है? तो आपको अगर ये सेल बोट बुक करना है तो यू कैन गो ऑन mybotride.com ओके। उसके ऊपर आप जाके आपके प्रेफर्ड जो आपको सेलिंग मॉडल में दिखाया गया है वो आप सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच प्रथमेश। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अंदर गेटवे के अंदर एंड आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। यहाँ का व्यू तो सुपर दिख रहा है। वहाँ चलते क्या हो गया भाई, रुक क्यों रहे भाई, जाने क्यों दे रहे? सिंगल पीपल आर ओनली अलाउड फ्रॉम मैरिज सीन, लेडीज हैव टू गो फ्रॉम देयर। ओके ऐसा है क्या? हाँ ये जरा सिंगल लोगों को जरा कुछ तो मिला कुछ ना, ये सही है। अभी जो जो सिंगल है ना उसको घुसने दिया बस, बाकी जो भी कपल का जा रहा है निकलो बाहर वहां से, कहीं तो फायदा हुआ चलो सिंगल लोग। चलो भाई गेटवे ऑफ इंडिया में एंट्री। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने, अंदर आ चुके हैं। अंदर आके व्यू तो अभी हम एग्जिट ले रहे हैं। वाह वाह मस्त लिखा है, ट्रस्ट वर्दी इन खाकी, यू कैन ट्रस्ट, डायल 100। सो गाइस अभी एक होटल में आया है जहाँ पे मैंने अभी इसको रील्स देखा था एक्चुअली मैंने, OCH होटल। तो ये होटल है, चलते हैं अंदर। थैंक यू बस बस बस। तो गाइस खाने हो चुके हैं एंड अभी हो चुके हैं 12:15, इसमें निकलते हैं 12:15। देखो सब गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, ये देखो सब गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इतनी भीड़ है बड़ा की। ये अपने मुंबई दर्शन की बस, बस के लिए वेटिंग है ना? हाँ वो देखो बापरे, मुंबई दर्शन के बस के लिए इतना वेटिंग है इधर बापरे। एंड यहाँ से हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव, आपको एम्बेसडर होटल भी देखा था, एम्बेसडर होटल भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, होप तो आपको मजा आ रहा होगा अभी तक वीडियो में देखने के लिए। तो ये सामने है मंत्रालय। तो वैसे टाइम हो चुके हैं अभी रात के 12:15 एंड न्यू ईयर को सिर्फ 15 मिनट बाकी है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं विधान भवन, ये विधान भवन है। भीड़ देखो मरीन में, क्या
11 बज चुके हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर के यहाँ पटाखा फूट चुके हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। क्राउड देखो मैन, बाप रे, हाँ वही तो लेने के व्यू मेरे को यहाँ पे खाली। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। So guys, जैसे कि मैंने आपको बोला कि न्यू ईयर हो चुका है, एक तारीख लग चुकी है, मेरे मोबाइल में भी, कैलेंडर में भी, हर जगह एक तारीख 1 जनवरी 2023 आ चुका है। एंड आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। आप में से जो भी मेरा जो वीडियो पहले से देख रहे हैं, 2019 से जब से मैंने स्टार्ट किया है एंड आज 2022 हो गया, तब से मेरा सब्सक्राइबर है, तो भाई थैंक यू सो मच जिसने आज सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच जिसने कल सब्सक्राइब किया, हर किसी को दिल से शुक्रिया। So, brother, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे बहुत अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था लेकिन ठीक है, मजा आया। अब फर्स्ट टाइम है मतलब ऐसा बाहर आया है? न्यू ईयर में मरीन ड्राइव है, उधर गया है कैसे, लेकिन मरीन ड्राइव वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, सुपर था। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? स्माइल करो, गुड रहो, चलो बाय।